गुड मॉर्निंग एंड इट्स डे थर्ड ऑफ दिस ट्रिप एंड फाइनली आई एम लीविंग शिरडी एंड गोइंग टू नासिक फर्स्ट देन आफ्टर आई विल सी कि लाइक मुंबई जाना है या फिर नासिक में स्टे करना है सो लेट्स गो. ओके 9:30 हो गए एंड 1 घंटा हो गया मैं चलते चलते अभी रुके हुए हैं बीच में रास्ते में कहीं टॉयलेट वगैरह के लिए एंड कुछ खाएंगे पियेंगे उसके बाद में फिर से निकलेंगे एंड ये जर्नी केवल 2 आवर्स की होने वाली है नासिक तक के लिए. उसके बाद नासिक का पूरा टूर कराएगी ये देन आफ्टर देखेंगे हम कुछ अपने पर्सनली भी हम कुछ अलग अलग चीज़ें भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे. सो लेट्स गो अभी देखते हैं कुछ और खाते हैं पीते हैं देखते हैं अगर कुछ खाना होगा किसी को तो खाएंगे मुझे तो कुछ खाना नहीं है सो मैं तो नहीं खाने वाला हूँ. तो होटल साइन प्रभद्र ओके ऑल राइट सो जस्ट इज फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ आर्स लाइक मुक्तिधाम. लेट्स सी देखते हैं अभी क्या क्या घूम सकते हैं कुछ अगर अच्छा मिलता है तो शूट करेंगे नहीं तो देखते हैं निकल लेंगे यहाँ से बहुत जल्दी. तो मुझे ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है यहाँ पे शूट करने लायक यहाँ पे ऐसा शूट किया था तो मोस्ट प्रोबब्ली शूट नहीं करूँगा. ओके सो मंदिर होकर के आ गए लेकिन यार मंदिर में इतना कुछ था नहीं जिस हिसाब से सोचा था कि यार कुछ अच्छा होगा बट कुछ भी नहीं था इसमें. ओके सो दिस इज अंजनेश्वरी मंदिर एंड यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर हनुमान जी का बर्थ हुआ था. ये हनुमान जी की माता जी जो थी अंजनी उनके नाम पर ये पूरी हिल का नाम पड़ा हुआ अंजनेश्वरी हिल एंड यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है रेनी सीजन बट मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ सो आई डोंट थिंक सो उतना अच्छा सीन मिलेगा. लेट्स सी ये प्लेस पता है क्या ये प्लेस सराउंडेड है काफ़ी अच्छे अच्छे माउंटेन्स है बट अभी क्या सीन है ना वो अभी मैं ट्राई करता हूँ दिखाने का. ये जो पीछे जो भी एरिया है ना ये सारा सारा ग्रीन हो जाता है जब भी बारिश होती है तो लाइक बहुत ही खूबसूरत लगता है. ये पूरा टेरेन ये जो आपको टेरेन दिख रहा है ना यहाँ से लेकर के और ये पूरा टेरेन आपको पूरा ग्रीन हो जाता है तब बहुत ही अच्छा सा दिखता है बट अभी क्या कर सकते हैं यार बारिश नहीं हो रही है तो कुछ कर नहीं सकते. एंड इसके अलावा यहाँ पर ट्रैकिंग होती है जो कि बहुत ही बेस्ट चीज़ है यहाँ. ओके सो यहीं पर रुके हैं थोड़ा सा यार कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि अभी मंदिर बंद है सीएम या फिर कुछ और मिनिस्टर्स आए हुए हैं तो इसलिए मंदिर पर अभी क्लोज़ किया हुआ आई थिंक 2 घंटे तक क्लोज रहेगा. सो जैसे ही बाहर से दर्शन करने को मिलते हैं फिर अंदर तक पहुंचते हैं वो तो बात की बात है पहले भी कुछ खा लें भूख लग रही है बहुत तेज से. अब जरा अपने बारे में बताओ तो मेरा नाम राकेश तेलुगु में बोलो हिंदी में बोलो हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो किसी में बोलो तेलुगु में बोलो. ना पे राकेश फ्रॉम सिटी जिंडी कुछ फ्रॉम हैदराबाद. ओके माय वाइफ विष्णुप्रिया. ओके एंड दिस इज योर चाइल्ड मालूड अक्का కొడుకు. ఓకే ప్రెజెంట్ త్రయంబకేశ్వర్ వెళ్తున్నాము. ఓకే సో అక్కడ సమ్ డిలే ఉందని చెప్పాను బిఫోర్ దట్ లంచ్ ఫినిష్ చేద్దామని ఇక్కడ వచ్చాను. आई डोंट नो यार कि कैसी क्वालिटी में आ रही है वीडियो क्योंकि यहाँ पे धूप इतनी तेज है कि मुझे दिख नहीं रहा है कि सही से मतलब बेटर क्वालिटी में या फिर ब्लर्ड हो रखी है क्या हो बट हाँ जो भी है बस यही है. तो अभी हम आए हैं क्या नाम है श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर. ओके सो ये मंदिर एक्चुअली में अभी बंद है क्योंकि यहाँ पर सीएम साहब आए हुए हैं तो घूमने के लिए तो इसलिए मंदिर बंद है एंड इसमें दो घंटे की पहले से ही लाइन है. सो दैट्स व्हाई हम लोग जो है बाहर से दर्शन करेंगे और निकल लेंगे यहाँ से और जाएंगे यहाँ से पंचवटी. सो लेट्स गो अभी थोड़ा सा घूमते हैं फिर निकलते हैं यार 5-10 मिनट में यहाँ से निकलते हैं. ओके ऑल राइट सो अभी आपको बता दूँ ये जो मंदिर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर ये भोलेनाथ का मंदिर है. अगर आप नासिक आ रहे हो तो ये मस्ट विजिट मंदिर है यहाँ पर जरूर आओ. ओके ऑल राइट सो अभी यहाँ पे पता किया था तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि लगभग 2 से 2.5 घंटा बड़े आराम से लगेगा और दो ढाई घंटा यहाँ पर वेट करना यार बेवकूफ़ी है यार धूप में इतना ज़्यादा वेट करना तो लाइक किसी और दिन आ जाएंगे. वैसे भी 15 दिन बाद का प्लान बना रहा हूँ मैं दोबारा से आने का मानसून के टाइम पे. लेट्स सी बट हाँ अभी के लिए तो बाहर से दर्शन करके निकलते हैं यहाँ से फटाफट से.
पापा पापा चलें क्या? चलें। ओके ऑल राइट गाइस, सो पंचवटी आ गए हैं हम लोग अभी, एंड पंचवटी में ये फर्स्ट स्थान है। यहाँ पे ये त्रिवेणी का संगम होता है, गोदावरी वरुणा अरुणा करके तीन नदियाँ हैं जिनका यहाँ पे संगम होता है। एंड इसको बोलते हैं रामघाट भी बोलते हैं, एंड रामकुंड भी बोले जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब राम भगवान जब 14 साल के वनवास पे गए थे तो ये यहाँ पर रुके थे, आई थिंक 6 महीने के लिए या कुछ टाइम के लिए रुके थे, तो इसी यहीं पर वो नहाते थे, इसी कुंड के अंदर नहाते थे। एंड यहीं पर जब उनके पिताजी दशरथ का जब देहांत हुआ था तो उनका पिंडदान भी यहीं किया गया था। ये जो है रामघाट हो गया और रामकुंड भी यही है, जहाँ वो नहाते थे रामकुंड हो गया और जहाँ पे उन्होंने पिंडदान किया था वो हो गया रामघाट। ऐसा कुछ साफ पानी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सीधी सी बात है इतने लोग आते हैं और फूल फल सारी चीज़ें इसमें डालते हैं तो गंदगी हो जाती है। ओके, तो यहीं पर इसी जगह की जस्ट पास में एक और मंदिर है, जहाँ पर यहाँ पे अभी तक देखा होगा कि शिवलिंग के साथ में हमेशा नंदी जी जो होते हैं वो हमेशा शिवलिंग के साथ में होते हैं, जहाँ कहीं भी चले जाओ हर जगह। लेकिन पूरी दुनिया में यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर शिवलिंग के साथ में नंदी जी नहीं होते हैं, उसकी कहानी अभी थोड़ी देर में बता दें, पहले वहाँ पर चल के। ओके, यहाँ पर एक और मंदिर है जो जैसे कहते हैं अर्धनारेश्वर मंदिर, जिसमें क्या होता है कि शंकर जी जो है वो आधे नारी और आधे नर के बेस में है, वो मंदिर ये है। अभी इस टाइम पर ये बंद है तो इसके अंदर तो जा कर के नहीं दिखा सकता मैं, आई होप कुछ दिख रहा हो आपको या तो यही मंदिर था। एंड अभी जाते हैं एक और मंदिर जहाँ पे मैंने बोला था कि शिवलिंग के पास में नंदी देव नहीं है। ओके, सो अभी जिस मंदिर में आया ये मंदिर है जिसमें जो है नंदी देव नहीं है शिवलिंग के सामने। एंड लेट्स सी, घूम उसके अंदर देखते हैं, अगर शूट करने दिया तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं तो कहानी तो आपको बताऊंगा कि क्या हो गया था। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉप है कालाराम मंदिर, एंड कालाराम मंदिर की भी एक अलग ही कहानी है, काफ़ी पुरानी कहानी है, जो कि जो मेरे ऑटो वाले भैया हैं जो मुझे ये पूरा घुमा रहे हैं वो पूरा बताएंगे, एंड उनकी आवाज़ में आगे सुनिए ये पूरी कालाराम की कहानी क्या होती है।